क्वेश्चन नंबर 11। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, एबीसी और डीईएफ ये दो ट्राइंगल्स हैं। एबी पैरेलल, एबी इक्वल डीई एंड एबी पैरेलल डीई, बीसी इक्वल टू ईएफ एंड बीसी पैरेलल ईएफ। वर्टिसेस ए बी एंड सी आर जॉइन टू वर्टिसेस डीईएफ, डीई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। ए बी सी वर्टेक्स जो है ए को डी से, सी को एफ से, बी को ई से ज्वाइन कर दिया। शो दैट, अब ये हमें सिक्स थिंग्स आई हमारे पास, ये हमें प्रूफ करनी है। सबसे पहले ए बी ई डी, इसे पैरेललोग्राम शो करना है। फिर क्वाड्रिलेटरल बी ई एफ सी, इसको पैरेललोग्राम शो करना है। ए डी पैरेलल सी एफ और ए डी इक्वल टू सी एफ, ये शो करना है। फिर ए सी एफ डी क्वाड्रिलेटरल, इसको पैरेललोग्राम शो करना है। ए सी इक्वल टू डी एफ, ये शो करना है। और ए बी सी ट्राइंगल और डी ई एफ ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंसी शो करनी है। इस तरह से हमें ये सिक्स पार्ट्स को प्रूफ करना है। देखिए क्वेश्चन बड़ा है लेकिन टफ नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो फिगर है ना, जैसे ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, और यहाँ पर थ्री क्या है, ये थ्री रेक्टेंगल फेस है, ठीक है, या पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल फेसेस है। तो इस फिगर को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगुलर प्रिज्म। ये एक ट्राइंगुलर प्रिज्म है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। गिवन में मैंने लिखा ए बी इक्वल टू डी ई एंड ए बी पैरेलल डी ई, और एक चीज दी है बी सी इक्वल टू ई एफ और बी सी पैरेलल ई एफ। ये टू प्रूफ मैं नहीं लिख रही हूँ, टू प्रूफ में हमें ये सिक्स पार्ट्स हैं, ठीक है। अब मैं सीधा प्रूफ स्टार्ट कर रही हूँ। टू प्रूफ जो है वो आप अपने आप लिखेंगे इन सिक्स पार्ट्स को। हम प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या शो करना है, ए बी ई डी, ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। आपको मैं एक बात बताती हूँ, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर उस क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ये वाली साइड्स, वन पेयर ये वाली और ये वाली साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इन ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल एंड ऑल्सो पैरेलल, पैरेलल भी और इक्वल भी है, तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। तो अब आप देखिए ए बी इक्वल टू डी ई एंड ए बी पैरेलल टू डी ई, क्यों, ये हमें गिवन है, इसलिए ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम क्योंकि एक पेयर इसमें ए बी डी ई इक्वल भी है और पैरेलल भी है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम है तो इससे हमें क्या मिल गया, एंड सो वी कैन से दैट अगर ये और ये लाइन पैरेलल और इक्वल है तो इस और ये पैरेललोग्राम बन गया, तो इसलिए एडी और बीई भी इक्वल होंगे एंड एडी और बीई पैरेलल भी होंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब आ जाइए सेकंड पार्ट में। सेकंड चीज हमें गिवन है बी सी इक्वल टू ई एफ। अब हमें शो करना है बी ई एफ सी, इसको पैरेललोग्राम शो करना है, और हमें गिवन है बी सी इक्वल टू ई एफ एंड बी सी पैरेलल टू ई एफ, है ना। रीजन लिखेंगे गिवन, इसलिए बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। तो बी ई एफ सी क्या बन गया, पैरेललोग्राम, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर जो है अपोजिट साइड का वो पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम है तो हमें क्या मिल गया, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो बी सी ई एफ के इक्वल और पैरेलल है, इसी तरह से बी ई सी एफ के इक्वल और पैरेलल भी है, बी ई पैरेलल टू सी एफ
एंड बीई इज इक्वल टू सी एफ, ये दोनों चीज हो गई। ठीक है, अब इसको ले लीजिए आप फर्स्ट पार्ट और इसको ले लीजिए आप सेकेंड पार्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं थर्ड पार्ट में हमें क्या शो करना है, एडी पैरेलल सी एफ, एडी इक्वल टू सी एफ। अब देखिए इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, एडी पैरेलल एडी इक्वल टू बीई है, और एडी पैरेलल बीई है, और बीई इक्वल टू सी एफ है, और बीई पैरेलल टू सी एफ है। आप इन दोनों को जब देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों से कंपेयर करके बीई बी एडी इक्वल टू बीई है और सी एफ भी इक्वल टू बीई है। जब दो दो चीजें एक सेम चीज के इक्वल होती हैं तो वो दोनों चीजें भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो एडी इज इक्वल टू सी एफ, ठीक है, और एडी इज पैरेलल टू सी एफ, इन दोनों से मिलेगा। ठीक है, एडी इक्वल टू बीई और बीई इक्वल टू सी एफ, इट मीन्स एडी और सी एफ क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसी तरह से एडी पैरेलल टू बीई एंड बीई पैरेलल टू सी एफ, इससे क्या मिला, एडी पैरेलल टू सी एफ। ठीक है, एडी इक्वल टू सी एफ एंड एडी पैरेलल टू सी एफ, ये वाला पार्ट हो गया थर्ड पार्ट। अब ये चीजें हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो इसका फोर्थ पार्ट भी हम लिख सकते हैं यहां पे, एडी इक्वल टू सी एफ एंड एडी पैरेलल टू सी एफ। ठीक है, इसलिए ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। अब ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, तो इसका ही फिफ्थ पार्ट क्या हो जाएगा, ए सी एफ डी ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। ए सी इज इक्वल टू डी एफ, रीजन लिख देंगे आप, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब आ जाइए सिक्स्थ पार्ट पर, इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंसी करनी है, तो हमने लिया इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ, एबी इज इक्वल टू डीई, भाई ए बी ई डी पैरेललोग्राम था, तो ए बी इक्वल टू डीई, ये हमें गिवन भी है, इसका रीजन आप गिवन भी लिख सकते हैं चाहे तो। ठीक है, सेकंड बी सी इक्वल टू ई एफ, ये भी हमें गिवन है, बीई बी सी इक्वल टू ई एफ, ये भी हमें गिवन है, गिवन। और थर्ड ए सी इक्वल टू डी एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ये हमने प्रूव कर लिया ऊपर। ठीक है, तो तीनों क्या है हमारे पास साइड, तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डीई एफ बाय एस 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 रूल।